हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप मेरे सारे वीडियो देख सको। तो देखिए दोस्तों, आज हम हाथ फूल बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए, ये 7 सेंटीमीटर की चारों तरफ से डायमेंशन है। 5 चाहिए हमें इसके लिए, और छोटे फ्लावर बनाने के लिए इसका आधा 3.5 सेंटीमीटर की चाहिए चारों तरफ से लेंथ। तो इसको हमें एक लेना है, इस प्रकार से फोल्ड करना है इसको, इस वापस से फोल्ड करना है, फिर इसको वी शेप में फोल्ड करना है, देखिए इस प्रकार। फिर हमें इसे सीजर की तरफ, सीजर की हेल्प से गोलाई शेप में थोड़ा सा ऊपर से कट कर देंगे इस प्रकार से। देखिए गोलाई में थोड़ा अच्छे से कट करेंगे, सफाई से, कोने से भी कट कर देते हैं। देखिए कट हो गया, खुलने पर इस प्रकार दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम सभी को कट कर लेंगे। देखिए 5 थी, अब इन 5ों को यूज़ करेंगे हम, कट करेंगे। फर्स्ट वाली में हमें सिर्फ एक ही कट लगाना है, और जो दूसरी वाली इसमें हम एक कली कट कर लेंगे दोनों तरफ से कट करके। एक पूरी कली निकाल लेंगे हम इसमें से, इसी प्रकार से हम बाकियों में से भी लाइन से निकालेंगे। इसमें से एक निकाली तो हम इसमें से 2 कलियां कट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें से 3 कली कट कर लेंगे हम, इसमें से हम 4 कली मीन्स आधा कट कर लेंगे इसको, और इसको एक को रिमूव कर देंगे, एक यूज़ करेंगे। देखिए सारी हम यूज़ करेंगे ये। अब इनको हम लाइन से रख देते हैं, अब एक एक करके इनको हम, ये देखिए दोस्तों फैब्रिक गम है ये, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको हम पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम इनको जॉइंट कर देंगे, इस प्रकार से हम सभी को एक एक करके जॉइंट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप मेरे और भी ऐसे ही वीडियो देख सको। वेस्ट मटेरियल से बनने वाले क्राफ्ट अपने होम डेकोरेशंस के लिए, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट्स देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम सबको एक एक करके चिपका देंगे। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए लास्ट वाले में भी लगा देते हैं इस प्रकार से, इसको भी चिपका देते हैं। देखिए हम इनको एक एक करके पेस्ट करेंगे। देखिए इस प्रकार सेंटर में फैब्रिक ग्लू लगा के इसी प्रकार से लाइन से जो हमने कट करी थी उसी के अकॉर्डिंग पेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फैब्रिक है, थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा तो इसलिए थोड़ा सूखा सूखा कर उसको फिर पेस्ट करेंगे। ये देखिए इसमें से हम कट करके इसको लगाएंगे, इसको हम हेयर क्लिप की हेल्प से थोड़ा पुश कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएगा ये, या तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये देखिए छोटी वाली है तो ये होगी फिंगर से, इसलिए हम इसको हेयर क्लिप की हेल्प से पुश करते हुए चिपकाएंगे। इसको भी कट करके लगा देते हैं, क्योंकि इनका कोना निकला होता है तो फूल ऊपर की तरफ उभरा होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसको भी चिपका देते हैं, इसको भी हेयर क्लिप की हेल्प से पुश करते हुए कर देते हैं पीछे। लास्ट वाली दो बच्चे, इनको भी कट करके एक दूसरे में पेस्ट कर देते हैं अंदर डाल के। छोटी वाली को इसके अंदर डाल देते हैं,
इस प्रकार से देखिए, इसको भी पुश कर देते हैं हेयर क्लिप से। देखिए चिपक गया। अब इसमें भी ग्लू लगा के हम फ्लावर में पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, इसको भी हल्के से कर देते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम छोटा वाला फ्लावर भी बना लेंगे, जिसकी 3.7 सेंटीमीटर थी डायमेंशन। और इसके हम कार्डबोर्ड चाहिए 2 सेंटीमीटर रेडियस और एक 1 सेंटीमीटर वाला। इसमें ग्लू लगा के हम फैब्रिक में पेस्ट कर देंगे, जो हमने पिंक कलर का फैब्रिक लिया था। ये देखिए इसमें पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से इसको भी कर देते हैं 2 सेंटीमीटर वाले सर्कल को, जो कि हमने कार्डबोर्ड में से कट किया था। उनको हम कट कर लेते हैं, इन दोनों को भी हम चारों तरफ से कट कर लेते हैं। ये देखिए इसको चारों तरफ से हम बीच में कट लगा के ग्लू की हेल्प से इसको हम पेस्ट करेंगे, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। इसी प्रकार से चारों तरफ से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से छोटे वाले को भी कर लेंगे हम। फिर हम इसके चारों तरफ फैब्रिक ग्लू से मोती लगाएंगे, इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे स्टिक की हेल्प से। ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसमें हम लगा के इसमें फ्लावर लगा देते हैं, स्मॉल वाले में स्मॉल फ्लावर, बड़े वाले में बड़ा वाला फ्लावर लगा देते हैं। ये देखिए पेस्ट हो गया। हम लटकन बनाते हैं इसके लगाने के लिए। इसमें से गांठ में से धागा फंसा के निकालते हैं मोती डाल के। देखिए इस प्रकार से वाइट वाला मोती डाल के इसमें हम इसको गांठ लगाने के लिए वापस डाल के बीच में से निकाल लेंगे सुई को। देखिए इस प्रकार, देखिए गांठ लग जाएगा, इससे मोती नीचे नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से हमें 2 व्हाइट मोती एक पिंक इस प्रकार से डाल लेंगे। देखिए बीच में हम इसमें फ्लावर लगाएंगे बड़ा वाला, तो इसके हम सेम जैसे हमने व्हाइट मोती से स्टार्ट किया वहाँ से, तो यहाँ से भी वैसे ही करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग जैसे उस तरफ डाला इस साइड भी डाल लेंगे मोतियों को। देखिए कंप्लीट हो गया। इसको भी हम इसमें से व्हाइट में से सुई को वापस से निकाल लेंगे ताकि गांठ लग जाएगी। देखिए इस प्रकार, और लास्ट में पिंक वाला मोती लगा के इसमें से हम गांठ लगा लेते हैं इसको। देखिए इस प्रकार से 3-4 बार निकाल के, जिससे कि वो गांठ पक्की लग जाएगी अच्छे से मजबूती से। देखिए गांठ लग गई। हम इसको सीजर की हेल्प से कट कर देते हैं। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम एक और बनाएंगे लेयर। देखिए ऐसे सिर्फ धागे ही दोनों तरफ से हों, इस प्रकार से हम इसको रख देंगे। फिर हम इन दोनों को जॉइंट कर लेते हैं गांठ लगा के। गांठ लगाने से उसके साथ सपोर्ट में रहेगा, इसीलिए हम गांठ लगा रहे हैं ताकि वो उसके साथ रहे, आसानी से चिपका भी रहेगा उसमें जो हम फ्लावर लगाएंगे इसमें। देखिए दोस्तों हमारी गांठ लग गई। हम इसको एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं सीधे से। हम इसको बिग फ्लावर पेस्ट कर देते हैं जो हमने बनाया था। देखिए इसको उल्टा रख के इस प्रकार हॉट ग्लू से इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको हम पुश कर देते हैं हेयर क्लिप की हेल्प से। हॉट ग्लू है क्योंकि गर्म होगा इसलिए। इसी प्रकार से हम छोटे वाले में भी लगा देते हैं, इसमें फैब्रिक लगा देते हैं, इसमें हम रिंग लगा देते हैं। देखिए दोस्तों कंप्लीट हो गया हमारा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।